सो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IRCTC रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद में आपको ID पासवर्ड नहीं मिला है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों का जो है CSE VLE का, मेरा खुद का भी प्रॉब्लम यही है कि IRCTC रजिस्ट्रेशन के बाद में ID पासवर्ड नहीं मिला। इसका सोल्यूशन मैं ढूंढ चुका हूँ। इसका सोल्यूशन जो है मुझे अपने DM स्टेट हेड सर्विस से कॉन्टेक्ट करने के बाद में मुझे मिला, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज यूट्यूब पर देखे, मुझे यूट्यूब पर समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने यूट्यूब कमेंट्स देखी, मेरा खुद का जो वीडियो IRCTC रजिस्ट्रेशन वाला है उस पर भी मुझे बहुत सारे लोगों की कमेंट मिली कि सर हमको ID पासवर्ड नहीं मिल रहा है, हमने IRCTC रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि IRCTC रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड आपको किस तरीके से मिलेगा। इसका लाइव सॉल्यूशन में अपने DM से स्टेट हेड से बात करने के बाद में पूरी जानकारी लिया हूँ। सो आपको जो जो मैंने उनसे बात किया वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो लाइव प्रोसेस करके मैं बताऊँगा आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको आना है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर। डिजिटल सेवा पोर्टल पर आने के बाद में आपको यहाँ पर कोई भी IRCTC का प्रोसेस नहीं करना है, सीधे डायरेक्टली आपको जो है सपोर्ट वाले सिस्टम पर टिकट जनरेट करना होगा। टिकट जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है वो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, आप टिकट जनरेट करने के साथ साथ आप ये भी देखिएगा कि टिकट जनरेट में आपको लिखना क्या क्या है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आप सोचते होंगे टिकट जनरेट करना है बस यही सारी चीज़ें लोग बताते हैं, पर आपको बताता हूँ मैं टिकट जनरेट करने के बाद में आपको क्या क्या प्रोसेस आगे करनी रहेगी। सो आपको टिकट जनरेट पर आपको क्लिक करना हो, उसके बाद में आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा क्योंकि हम प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा रजिस्ट्रेशन रीसेट पासवर्ड एंड एक्टिवेशन कोड, बस आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद में आपको सिलेक्ट कैटेगरी में, टिकट कैटेगरी में आपको ट्रेवल चुन लेना है और आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आपको IRCTC रजिस्ट्रेशन CSE सर्विसेज यही वाला आपको चुनना है। इसके बाद में आपको एक मैसेज डालने को कहेगा, तो मैसेज में अगर आप आपकी ID का पासवर्ड भूल चुके हैं और पासवर्ड अगर आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी लॉगिन ID डालना होगी। अगर आपके पास लॉगिन ID नहीं है तो आपको एक मैसेज यहाँ पर डालना होगा कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आपको बस इतना सा लिख देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो है आपका टिकट जो है रेज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, टिकट रेज होने के बाद में आपको 24 से 48 घंटे, हो सकता है आपको 12 घंटे में भी रिप्लाई आ जाए, आपको जो रिप्लाई में प्रोसेस आगे वो करना है। आपको वहाँ प्रोसेस आएगी आपको कि आपको मिलेगा एक एक्टिवेशन लिंक, आपको मिलेगा एक एक्टिवेशन कोड। उस एक्टिवेशन लिंक जो होगा वो 12 घंटे के लिए ही वैलिड होगा, यानी कि 12 घंटे के अंदर अंदर आपको उस एक्टिवेशन लिंक को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में आपको जो वहां पर कोड दिया गया है उस कोड को आपको साथ में डालना होगा। कोड आप डाल देते हो तो आपका लॉगिन ID एंड पासवर्ड जो है वहां पर जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है प्रोसेस कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं आपको इसकी भी एक लाइव प्रोसेस करके बता दूंगा। तो चलिए, इस तरीके से आप टिकट रेज करेंगे। टिकट रेज करने के बाद में अगर आपको आगे जो मैंने बताया है उस तरीके से आप सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, उसके बाद में फिर से आपको मैं जो है सॉल्यूशन करके लाइव आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा। आशा करता हूँ आपको मेरी सारी बातें जो है जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हम जो जानकारी दे रहे वो सही लगती है या नहीं आपको। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।